शोबिज शख्सियात के इंटरव्यूज करने वाले यूट्यूबर ने दावा किया है कि मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने वालदा की कदर ना करते हुए एक साल कबल इन्हें दूसरे घर मुंतकिल कर दिया। यूट्यूबर ने माजी के मकबूल फिल्मसाज परवेज कलीम का इंटरव्यू करते दौरान इंकशाफ किया कि फैसल कुरैशी ने वालदा को घर से निकाल कर दूसरे घर मुंतकिल किया। यूट्यूबर की जानिब से अदाकार और इनकी वालदा के हवाले से किए गए दावे की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि इनकी बात पर फिल्मसाज परवेज कलीम ने भी हैरानगी का इजहार किया। वायरल होने वाली मुख्तसर वीडियो में यूट्यूबर ने परवेज कलीम को बताया कि जिस फैसल कुरैशी को इन्होंने इनकी वालदा अफसा कुरैशी के कहने पर फिल्मों में चांस दिया और इन्हें मातारिफ करवाया, इसी अदाकार ने अपनी वालदा को घर से निकाल दिया। यूट्यूबर का कहना था कि अफशां कुरैशी बेटे को फिल्मों में हीरो देखना चाहती थी और इन्होंने परवेज कलीम को बेटे को कास्ट करने के मुताल्लिक इनकी मिन्नतें भी की, लेकिन एक साल कबल अदाकार ने वालदा को दूसरे घर मुंतकिल कर दिया। यूट्यूबर ने दावा किया कि पूरा मीडिया जानता है कि फैसल कुरैशी ने अपनी वालदा माजी की मकबूल अदाकारा अफशां कुरैशी को एक साल कबल दूसरे घर मुंतकिल किया और इनकी कदर नहीं की। यूट्यूबर की बात पर फिल्मसाज परवेज कलीम ने हैरानगी और तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा कि जो शख्स अपनी वालदा का ना हुआ वो इनकी इज्जत कैसे करेंगे। फिल्मसाज का कहना था कि इन्होंने तो फैसल कुरैशी को फिल्मों में सिर्फ मुतारिफ करवाया था और इनकी ख्वाहिश थी कि फैसल कुरैशी इनकी इज्जत करते रहें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, वो एहसान फरामोश निकले। परवेज कलीम ने मजीद कहा कि यूट्यूबर ने इन्हें फैसल कुरैशी की जानिब से वालदा को दूसरे घर मुंतकिल करने की बात करके इनकी आंखें खोल दी और इन्हें अब एहसास हो रहा है जो शख्स अपनी वालदा का ना हुआ वो इनकी इज्जत कैसे करता। ख्याल रहे, इसी यूट्यूबर ने माजी में फैसल कुरैशी की वालदा का इंटरव्यू भी लिया था जिसकी वीडियोस वायरल हो गई थी। वायरल वीडियो में अदाकार की वालदा बताती हैं कि इन्होंने बेटे की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ की और इनकी दुआएं कबूल भी हुई, लेकिन इन्होंने गलती से ये दुआ नहीं मांगी कि इनका बेटा अच्छा बेटा और अच्छा इंसान भी बने। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एडिट शुदा वीडियो में बाद अज़ां अदाकारा बच्चों की जानिब से वालदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़कर आने की बात करती दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया सार्फीन ने समझा कि शायद अदाकार की वालदा बेटे की नाफरमानी पर बात कर रही हैं, लेकिन दरहकीकत वो दुनिया के तमाम बच्चों को पैगाम देती दिखाई देती हैं कि वो अपने वालदैन का एहतराम करें, इनकी खिदमत करें, इन्हें ओल्ड हाउसेज में दाखिल ना करवाएं। फैसल कुरैशी की वालदा की वीडियोज वायरल होने के बाद अदाकार पर तनकीद भी की गई थी और इन्होंने सोशल मीडिया पेजेस और यूट्यूबर को वालदा का बयान तोड़ मोड़ कर पेश करने का इल्जाम भी आयद किया था।